हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सैमसंग की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। पहले आप इसको नोट कर लें कि किस तरीके से ये आवाज़ कर रही है और क्या रीज़न है वहाँ पर। बहुत भयंकर तरीके से आवाज़ कर रही है, तो पहले आप ये देख लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फॉल्ट है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये आवाज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है। हालांकि इसकी जो पुली है वो भी ठीक है और इसकी जो बेल्ट है वो भी ठीक है, उसमें जो बेल्ट रखा है वो सब कुछ ठीक है और इसके जो आगे बेल्ट रखा है वो भी सब कुछ ठीक है। मैंने फ़िलहाल पीसीबी अलग कर लेना है, उसके बाद सारा आपका जो पैनल है इसको ओपन करके, और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसको कैसे फिट कर सकें, कैसे ओपन कर सकते हैं, तो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको आप ओपन करके भी देख सकते हैं। अभी क्या है, फिलहाल मैं इसे ओपन करके फिर उसके बाद फिट आउट करके जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने जो मतलब मेन मकसद है कि ये साउंड क्यों कर रही है वो आपको दिखाना है कि आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं और आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। एक तो आपको देखना है कि आपकी जो मशीन है वो एकदम लेवल में होना चाहिए, जहाँ पर फर्श है वहाँ पर आपको लेवल में होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इसकी जो मशीन के ऊपर बेट रखा होता है बेट देख लेना है, सामने जो बेट होता है वो भी देख लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि इसकी जो स्प्रिंग लगे होते हैं वो भी आप देख लें। अभी फ़िलहाल मैं ओपन कर रहा हूँ, आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको उसको नोट करना है कि उसमें कोई भी अगर दिक्कत होगी तब ये वाइब्रेशन करती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो भी आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा, ऐसा नहीं कि आपको बस बताना है, आपको ये दिखाना है कि वहाँ पे क्या दिक्कत है। उसके बाद जो इसमें साउंड हो रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हेलीकॉप्टर जैसे कि चल रहा है उसका साउंड है, तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा और आपके सामने फिर मशीन को ऑन करके उसके बाद चेक कराऊंगा कि वहाँ पे क्या दिक्कत है। तो ये जो स्प्रिंग है इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, वरना आप ऐसा करें टेस्टर है या कोई पतली सी चीज़ है उसको लेके इसके बाद इस स्प्रिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि आपको कहाँ क्या चीज़ नोट करनी है, फर्स्ट आपको देख लेना है जहाँ पे मशीन रखी है वो एकदम लेवल में होना चाहिए, प्लस आपका जो ऊपर बेल्ट रखा होता है मशीन के ऊपर वो भी देख लेना है, और सामने बेल्ट लगा होता है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन उसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद जो स्प्रिंग होते हैं इसके जिसपे ये ड्रम रुका होता है उसको भी आप देख लेना है। पीछे क्या होता है, सॉकर होते हैं, सॉकर का काम करते हैं दो, जिस पे रुकी होती है मशीन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको भी आपको नोट कर लेना कि अगर वो घिस जाते हैं या गल जाते हैं या उसमें से ग्रीस ख़त्म हो जाता है तब ये दिक्कत आती है। इसमें फ़िलहाल ये सारा कुछ ठीक है, मैंने देख लिया, स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिया। उसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम है पहले मैं ओपन कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाना है। इस गैसकेट को आपको अच्छे से इसमें रिमूव करना है जिससे कि वहाँ पर ये मतलब जो है फट नहीं जाए, इसके अंदर पेचकस वगैरह भी नहीं लगना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे अगर ये दिक्कत होगी फट जाएगी तो पानी लीक होने के चांसेस रहते हैं, तो इस चीज़ का आपको एहतियात से काम करना है। उसके बाद जो है इस मशीन को मैं पूरा ओपन करके उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, और आप चाहें तो इसको हाफ ओपन भी कर सकते हैं, बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके बैरिंगों में दिक्कत है, इस वजह से ये दिक्कत आई थी। तो मैं क्या करूंगा, आपको ये पूरा ड्रम है इसको ओपन करके उसके बाद बाहर निकाल के उसके बाद जो इसके बैरिंग हैं वो आपको दिखाऊँगा कैसे हैं, किस तरीके से ये मतलब ख़राब हो गए, इसी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड ये मशीन कर रही। तो फ़िलहाल अभी जो है इसका जो है आगे का सारा पैनल खोल के ये जो स्क्रू होते हैं ये आप अच्छे से रिमूव कर दें, फिलहाल मैंने कर दिए, और बाकी एक स्क्रू रह गया, इसको भी तीन लगे होते हैं, किसी मशीन में दो लगे होते हैं, किसी में चार भी लगे होते हैं, तो ये डाउन बिल्कुल डाउन पार्ट में डाउन बेस में ही होते हैं। तो आप इसको ओपन करके उसके बाद ये जो ऊपर का कवर है इसको आप अच्छे से स्लाइड करेंगे ऊपर की साइड, फिर निकल जाएगा ये। तो ये जो कवर है निकाल लें, उसके बाद ये डिटर्जेंट जो है डिटर्जेंट बॉक्स है उसको मैंने पहले ही रिमूव कर दिया, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा जाया ना हो। तो आप देख रहे हैं ये सामने वाला जो बेट, अगर ये बेट टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तब वहाँ पे मशीन जो होती है डिसबैलेंस होती है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। इन सामने वाले जो बेट हैं
वो मशीन की बैलेंसिंग के लिए होते हैं, तो आप इसको भी नोट कर लें। फिलहाल ये जो है इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, टामी ले लें और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग जो नट है, जैसे यहाँ पे क्या है 13 mm की टामी है, तो यहाँ से 13 mm के नट जो है इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। दोनों साइड इसी तरीके से आपको लेना है। और यहाँ पे क्या होता है, 3 स्क्रू ज़्यादातर मोस्टली जो भी मशीन होती है, चाहे वो IFB हो, सैमसंग हो या फिर LG हो, तो वहाँ पे 3 ही स्क्रू लगे होते हैं। किसी किसी में 4 होते हैं, बट यहाँ पे क्या 3 होते हैं राइट हैंड साइड, 3 होते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जिस तरीके से आप ओपन कर रहे हैं उसी तरीके से आपको फिट भी कर देनी है। तो ये जो इसका जो बेट है, बेट में आपको ओपन करके उसके बाद इसका जो ड्रम है, ड्रम ओपन करके उसके बाद में पूरी मशीन जो है निकाल के, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की कभी भी सर्विस करते हैं, तो आपका जो पहली बार तो पूरी मशीन ही ओपन होती है, तो पूरी मशीन अगर ओपन करते हैं तो फिलहाल 1200-1300 रुपये वैसे ही बन गए। तो आपको क्या है, कम से कम जो मतलब कस्टमर से चार्ज लेना है वो आपको 1800-1900 या 2000 रुपये तक लेने हैं, ठीक है, मशीन जो आप सर्विस करें। ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, स्पेशली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो मैंने बोला था कि स्प्रिंग अगर ये जो होता है टूट जाता है या दिक्कत होती है जो आप देख रहे हैं, तब भी आपकी मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। बाकी जो स्क्रू आप इस तरीके से जो है पूरे ड्रम में लगे होते हैं, तो आप ड्रम के ओपन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो स्क्रू खुलेंगे वो 10 mm की गोटी से खुलेंगे। तो आप टामी ले लें, उसके बाद जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जो गोटी है वो 10 mm की है। फिलहाल मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको, ये आप देख रहे हैं। तो आप क्या है उसके बाद इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है गोटी लेना, बाकी मैंने जो स्क्रू है वो सारे ओपन कर दिए। यहाँ पे क्या है 13 mm की है, सॉरी, तो 13 mm की गोटी आप इसको लगाएं, उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। मतलब जो मैंने खोला था बेड वो 13 mm की थी, जो अभी मैं खोल रहा हूँ ये सारे नट, ये 10 mm की गोटी से खुलेंगे, ठीक है। जो बेड था, मैंने बेड जिसे खोला वो मैंने आपको साइज़ नहीं बताया था। तो अभी क्या है, फिलहाल यहाँ पे क्या है 10 mm की गोटी लगी है, वो आप उससे ओपन कर सकते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप। इसको बाद ओपन करके जो ड्रम होगा, ड्रम बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का और आप नोट करना है कि आप जब ड्रम फिट करेंगे उस समय आपको क्या करना है, एक एहतियात और रखनी है कि ड्रम के जो स्क्रू हैं पहले आपको थोड़े थोड़े ओपन मतलब लगाने हैं, जिससे कि वहाँ पे क्या होता है, ये प्लास्टिक होती है, अगर हम एक ज़्यादा टाइट कर देते हैं एक कम टाइट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आपकी जो प्लास्टिक होती है वो टूटने के चांसेस रहते हैं, प्लस आपका ड्रम की सेटिंग अच्छे से नहीं बैठ पाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका जो ये है जो ड्रेन पंप में लगा होता है, इसको भी आप हटा देना है, मतलब ड्रेन मोटर जो होती है यहाँ से पानी आउट होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने स्क्रू इधर के ओपन कर लिए, उसके बाद इसके नीचे साइड से लगे होते हैं, आप देख रहे हैं जो सॉकर मैंने बताया था, ये सॉकर जो होते हैं यहाँ पे भी स्क्रू लगे होते हैं ये इस टाइप के, और इन सॉकर को भी आपको ओपन करना है क्योंकि हमें इस ड्रम को पूरा बाहर लेना है। तो इस तरीके से आप इसको भी ओपन कर लें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसको ओपन करके उसके बाद बैक साइड जो नट लगा होता है उसको भी आपको ओपन करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है दो, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं दो इसके सॉकर लगे होते हैं, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं 4 लगे होते हैं, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं कि 3 लगे होते हैं, जिस पे नीचे रुका होता है ये ड्रम, ड्रम का सारा बेट नीचे रुका होता है। ये क्या होता है, सॉकरों का ही काम करते हैं, जो बाइक में सॉकर होते हैं उस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये जो ड्रम है, ड्रम को आप ओपन कर लें इस तरीके से, पूरा इसको बाहर ले लें। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप इसको बाहर ले लेंगे, मैं बाहर लेके फिर आपको दिखाता हूँ, आप चाहें तो आगे की साइड उठा सकते हैं, वरना आप बीच में भी कुछ डाल सकते हैं, मतलब टी वगैरह डाल सकते हैं, उसके बाद भी उठा सकते हैं। तो इसको क्या है, आप एक नट लें, उसके बाद हथौड़ा रख सकते हैं और उसको नट को ओपन कर सकते हैं। तो स्लेट से आप ओपन कर सकते हैं, बाकी इसको हथौड़ा या किसी चीज़ से रोक लें पुलिस, जिससे कि उसकी ग्रिप में अच्छे से फंसा लें, उससे नट आपका इजीली तरीके से ओपन हो जाए। इस पुली को आपको इस तरीके से रिमूव कर देना है, तो ये जो पुली है इजीली तरीके से निकल जाती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका जो ड्रम होगा आप थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, ड्रम को उठाएंगे, उसके बाद हथौड़ा मार सकते हैं या स्लेट मार सकते हैं, जिससे कि ये आराम से नीचे आ जाए। बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता है, इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत इजी होता है, आराम से ये निकल जाता है, क्योंकि ये जो ड्रम होता है इसी में फंसा होता है। बाकी इसमें एक नट लगा होता है पुली में, जिस तरीके से मैंने ओपन किया उसी तरीके से आपको निकाल देना है। ये आप देख रहे हैं बाहर निकल गया, उसके बाद इसके जो बैरिंग है वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ।
तो आप देख रहे हैं ड्रम का अगर स्पैटर टूट जाता है या आप देख रहे हैं तब भी ये मशीन वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करती है। तो फिलहाल ये सब कुछ ठीक है, बाकी इसमें जो है सर्विस भी होनी है बहुत ज़्यादा गंदी है। तो यहाँ पे क्या है, इसके जो बैरिंग है काम नहीं कर रहे, मतलब बैरिंग जो है फंस रहे हैं, इसी वजह से आवाज़ आ रही है। बाकी ये सील भी कट गई, सील भी आप कभी भी अगर आप बैरिंग चेंज करते हैं तो आप सील बहुत ज़्यादा ध्यान से चेंज करें, क्योंकि सील जो है मेन है। तो इसके जो बैरिंग है पीछे वाला भी बैरिंग, मतलब दोनों ही बैरिंग चेंज होना है। तो मैं आपको ओपन करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ। बैरिंग क्या है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप हथौड़ा मारें इसमें या फिर कोई गोटी फंसा दें जिससे कि ये सारे बाहर निकल जाएं। तो मैंने फ़िलहाल वो बाहर निकाल दिए, आपका टाइम ज़्यादा जाया ना हो इसलिए ये किया है, ठीक है। और एक दिक्कत और थी कि मैं ही कैमरा पकड़ा था और बाकी वॉइस ओवर करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बैरिंग है बहुत ज़्यादा खस्ता हालत हो गई इनकी। तो इसी तरीके से आपको मार्केट में जहाँ स्पेयर पार्ट की शॉप होती है वहाँ पे मिल जाते हैं इजी तरीके से, कहीं से भी आप ले सकते हैं, वरना सर्विस सेंटर से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसको लगा दिया है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, इस तरीके से आप इसको ठोंक दें जिससे कि ये जो है इस पर वेट होगा तो ये कहीं भागेगा नहीं। तो दोनों मैंने जो बैरिंग है इसी तरीके से इंस्टॉल कर दिए, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद सील होगी इसकी, और ग्रीस का ध्यान रखना है, ग्रीस जरूर लगा देना है। ग्रीस क्या होता है, उससे अच्छे से मूव होता रहता है आपका जो ड्रम होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको मैंने जो है फिट कर दिया, उसके बाद आपको रन करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अब साउंड इसका कैसा है। तो आप क्या है, अभी इस साउंड को नोट करें जो उससे पहले कैसा था अब कैसा है। तो पूरी वीडियो अगर देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, मतलब जो और वीडियो है कि इसकी ओपन कैसे करते हैं, इसको फिट कैसे करते हैं, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल अभी इसको मैंने सब कुछ फिट करके उसके बाद मैं सारा ए टू जेड कम्प्लीट वर्क करके उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी स्पिन ऑन होते ही फिर आपको पता लग जाएगा कि साउंड में कितना फ़र्क है, बैरिंग में कितनी दिक्कत थी। तो आप पहले इस साउंड को नोट कर लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साउंड बिल्कुल ही साइलेंट हो गया है, और पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी बैरिंग की वजह से थी, बैरिंग बहुत उसके कट गए थे इसी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड था। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि साउंड बिल्कुल नहीं है, वही इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग थी, इसमें ज़्यादा साउंड नहीं होता है। तो इस तरीके से ये आप सब काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ 8 के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।